नींबू पानी से शुरुआत कर रहे हैं। और नींबू पानी पीने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्योंकि मेरी तबीयत अंदर से ठीक नहीं है। तबीयत अच्छा से नहीं लग रही है। और ये अगर आपने कल हमारा ब्लॉग नहीं देखा तो कल हम आइकिया गए थे, और आइकिया से ये मसाले वाले, अरे भैया फोकस कर ले, मसाले वाले कंटेनर्स ले गए थे जो एक में चार हैं 139 रुपीज़ के। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो हमारा कल का ब्लॉग देखिएगा। और ये जो फ्रूट बास्केट है वो श्रीनगर का है आई बिलीव। तो दिन की शुरुआत करते हैं इससे, और फिर देखते हैं भैया आज क्या करना है। वैसे तो आज कहीं जाने वाने का मन नहीं कर रहा, सोच रहे टीवी में ही देखते हैं कुछ बढ़िया सा सीरीज़, या तो कोई मलयालम मूवी हो। यार मलयालम मूवी ना बहुत ही मस्त थ्रिलर होता है, पता नहीं क्यों वो और कोई कर ही नहीं पाता है। मलयालम मूवीज़ ही मतलब ख़तरनाक थ्रिलर, और वो सब पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसा स्टोरीज लिखते हैं, फिर बाकी सब लोग कॉपी करते हैं। आज ढूंढेंगे एक मूवी, देखते हैं। फिर आज क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में बन रहा है आज प्याज के पराठे। प्याज के पराठे गाइस, और चाय, आम एंड आम का अचार। का अचार। और ये देखो हमारा एलोवेरा का पेड़, पेड़ नहीं पौधा, ये साला पता नहीं अलग ही कुतुब मीनार बना रहा है। देखो बीच में इतना लंबा, देखो ना बीच में ऐसा क्या निकल गया, उसमें फ्लावर निकला था ना, पता नहीं क्या है वो, इतना दो लंबा बार वो निकल निकला। जाता है ऐसा। एलोवेरा तो मेरे को लगता था छोटे छोटे होते हैं, बीच में ऐसा पता नहीं एक लंबा डंडी निकल जाता है। ये हमारा 3 साल पुराना है। पता नहीं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा भाई। ब्रेकफास्ट आ चुका है भाई, ये प्याज के पराठे और मिर्च का अचार, और अपना यूट्यूब चल रहा है। माय फेवरेट यूट्यूबर भाई विकास दयाल हरिमणि भाई। आधे घंटे से क्या कर रहे हो टीवी में तुम? इतनी सारी ऑप्शन है मूवी का, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी लगा। यार ये बात तो सही है, इतने सारे ऑप्शन दे देते कि संडे में अगर लगता है ना कि यार क्या देखे क्या देखे, उसमें आधा एक घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा कि यार क्या देखे, ये देखे कि नहीं देखे, ये अच्छा होगा। इसका तो 8.2 है IMDb रेटिंग, क्या पता अच्छा। उसका ये लगा ना ट्रेलर लगा ना जो पहले था। यार IPL का जो भोजपुरी कमेंट्री है ना, सुनना एक बार अगर आपने नहीं सुना तो भाई साहब हंसते हंसते ना पागल हो जाओगे, अलग ही लेवल चल रहा है इनका। हिंदी में कुछ और बोले थोड़ा कुछ भी बता रहे हो, भोजपुरी में अलग ही चल रहा है इनका कॉमेडी सर्कस चल रहा है। और मैं खा रहा था गुजिया, यार ये ना मस्त लगता है। हाँ भैया क्या बना रही हो? नींबू का शरबत बना रहे अभी तो। शिकंजी ये बहुत अच्छा होता है, डिहाइड्रेशन हो रहा है समर्स में ना, बेस्ट होममेड शरबत होता है नींबू का शरबत। उस पर आप सिर्फ बर्फ डालो, शुगर इलेक्ट्रोलाइट होता है ना शुगर में, वो करता है। मेरे ग्लास में डाल दो, उसमें मत डालो, डायरेक्ट बर्फ ग्लास में डाल दो। ठंडी में गर्म गर्म चाय की तरह, गर्मी में ठंडा ठंडा नींबू पानी। सो रात के 8 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, हम लोग अब निकले मॉल के लिए। बहुत गर्मी थी तो पूरे दिन हम लोग घर पे चुपचाप बैठे रहे, टीवी देखा, सोए, बस खाया, और अभी मॉल पे जा रहे हैं। कौन से मॉल जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं सरद सिटी मॉल, सरद हैदराबाद का अभी का सबसे बड़ा मॉल है, जिसके ओनर पता नहीं, अच्छा है। नहीं बड़ा भी है, अच्छा जिसके ओनर महेश बाबू है। महेश बाबू तेलुगु एक्टर है ना, तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू जी का है। उनकी वाइफ वो है ना नम्रता शिरोडकर, बॉलीवुड एक्ट्रेस। सो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं अभी। अभी हैदराबाद में इतने सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं ना, अभी ये दुर्गम चेवरू और इधर का वो जो आईकिया के पास कनेक्ट करता है। हैदराबाद में एक चीज तो है यार, यहाँ डेवलपमेंट मस्त खतरनाक खतरनाक हो रहा है, फटाफट फटाफट जो चीज है पहले से प्रोटेक्ट करके, फ्लाईओवर हो गया, वो भी वो लेक रिस्टोरेशन और पता नहीं क्या क्या, इट्स गुड बट अच्छा है। अच्छा ठीक है, एक बात बताना, दुर्गम चेबरू है या चेरुबू है? दुर्गम चेबरू था ना, चेरुबू है। चेरुबू आप जब भी मतलब बोलते हो गलत ही बोलते हो। अरे मैं पता नहीं है, चेबरू चेबरू याद आता मेरे को। आप लोग प्लीज बताना इज इट चेरुबू और चेबरू, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। सो वो है हमारा AMB सिनेमास या फिर सरद सिटी, जो कि अभी आप देख रहे हो कितना ज्यादा ट्रैफिक हो रखा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली सब लोग उधर ही जाते हैं ना, फ्लाईओवर हालांकि ऊपर बन गया है, लेकिन वही है कि अब यार असली भीड़ तो उधर जाती है आसपास जा रही। ऊपर से आज वीकेंड है ना, ऑपोजिट साइड पे भी इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना, फुल ब्लॉक हो रखी है रोड चारों तरफ से, सब भीड़ ही भीड़ है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा।
हम लोग पिछले 15 मिनट से इसी जाम में फंसे हुए हैं। लाइट दो बार ही ग्रीन होके रेड हो चुकी थी, अब ये ग्रीन है, लेट्स सी हम लोग क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं। रेड हो गई। किस्मत में नहीं है ना। किस्मत में तो है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब तो वापस भी जाने के लिए एमबी के सामने जाना पड़ेगा। आगे हम लोग फाइनली सरद सिटी मॉल आफ्टर 20-30 मिनट्स। मॉल बहुत अच्छा है, पार्किंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है। नीचे पता नहीं कौन से फ्लोर पे हम लोग को पार्किंग भी मिलेगी, अभी देखते हैं जाते हैं। ओके, हम लोग B3 पे आ चुके हैं, अभी लेवल B3। B1 B2 निकल गया, वहाँ पे तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिली। B3 पे यहाँ पे भी रोक दिया रैंप पे। बोलो, अचानक से इतना डिप होता ना वो गाड़ी, थोड़ा सा अगर आगे चली जाती ना तो पता भी नहीं चलता कि एक गाड़ी है यहाँ पे। बहुत ज्यादा स्टीप है ना। हाँ, बहुत ज्यादा स्टीप है, कैमरा में पता नहीं चलेगा लेकिन स्टीप है बहुत। वैष्णो देवी की चढ़ाई टाइप्स। सिंपल एंड सुपर सही लग रहा है वाला। हाँ, सेकंड बोल्ड ऑप्शन। ये भी ठीक ही लग रहा है। 22 22। क्या देख रही हो? पेंडेंट्स। जो पसंद आ रहा है ना तुमको, ये वाला मैं जायदाद मांग लेगा वो। ये होगा 7-8 ग्राम्स का होगा। चलो भाई, बार बार भाई हो गई शॉपिंग मॉल से। क्या खरीदा? इयररिंग। महंगा वाला शॉपिंग हो गया भैया आज। नॉर्मल घूमने निकले थे और नॉर्मल घूम गए भाई। लेट्स गो होम, अब चलते हैं घर। सामने देखो कितना बड़ा पंखा है, जब ये चलता है ना कुछ आवाज़ नहीं आता है भाई, सिर्फ यही चलता है। लेकिन आज भाई बंद है, आज भाई को आराम चाहिए। अभी हम लोग मॉल से निकल रहे हैं, निकल के मतलब मॉल के गेट के बाहर नहीं पहुंचे अभी, मॉल के ही क्या बोलते थे पाथवे जहाँ पे, मॉल के अंदर ही है। ये देखिए मेन गेट पे जाने के लिए हम लोग को इतना टाइम लग रहा है। संडे को निकलना तो पाप ही है एक्चुअली, बहुत ज्यादा गलती हो गई आज। रात में व्यू क्या मस्त लगता है ना इसका, ये स्काई क्या नाम है बिल्डिंग का, स्काई व्यू करके, द स्काई व्यू है, द स्काई व्यू खतरनाक लगता है वाला देखने में। इसका जो भी आर्किटेक्ट होगा ना खतरनाक लगाया, उसमें लाइट लगाया दिन में, ऐसे मतलब ऐसा क्या कि मतलब धूप भी कम पड़ता है, मस्त है। हम लोग घर आ गए, घर आके अभी चेंज करने जा रहे हैं। और ये है मेरी इयररिंग्स, आप लोग बताइएगा कैसा है हमारा गोल्ड परचेज। बहुत हैवी नहीं है, डेली यूज के लिए स्टड लिया था। बाकी चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।